हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं जावा के बुक के बारे में रिव्यू करूंगा। तो आज जो बुक है उसका नाम है द कंप्लीट रेफरेंस जावा। ये 7th एडिशन का बुक मेरे पास है, हार्वर्ड सील्स का लिखा हुआ है एंड टाटा मैग्रो हिल का जो पब्लिकेशन है ये। तो ये बुक कंप्यूटर साइंस, IT, ECE जो भी लोग IT कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, IT में करियर बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप BTech हो, MTech हो, डिप्लोमा हो, BCA हो, MCA हो, कोई भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, आप अगर IT में आना चाहते हैं, जावा कंपनी में आपको काम करना है, जावा लैंग्वेज में आपको काम करना है या वेब डेवलपमेंट करना है, तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे बाइबल माना जाता है इसको कंप्यूटर साइंस का, तो ये बुक आपके पास रखना ही पड़ेगा। आपका अपना जो कॉपी है वो आप अपना खरीद के रखो, ठीक है। तो इसका जो लिंक है, अमेजोन का जो बाय लिंक है, वो प्राइस के साथ, अपडेटेड एंड डिस्काउंटेड प्राइस के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर से क्लिक करके ये बुक खरीद लो। आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास अगर है तो ये बुक को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ो, तो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प होगा, इंटरव्यूज़ में हेल्प होगा एंड इन फ्यूचर आप चाहे फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये बुक का बेसिक कंटेंट थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये शॉर्ट कंटेंट दिया गया है कि जावा लैंग्वेज के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बोला गया है, उसके बाद जावा लाइब्रेरी के बारे में बोला गया है और फिर क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग जावा। जैसे मैं बोला था, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो उसके जो जावा से कैसे वो होता है उसके बारे में बोला गया है, फिर अप्लाइंग जावा। उसके बाद डिटेल्स में कंटेंट इधर दिया गया है, जैसे जावा लैंग्वेज आप देख सकते हो, मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर चैप्टर 2 आता है, द ओवरव्यू ऑफ जावा। उसके बाद देखो डेटा टाइप, वेरिएबल्स, एरेज, ये सब चीज़ दिया गया है। फिर आता है ऑपरेटर्स, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूसिंग द क्लासेस, और उसके बाद एक क्लोजर लूप एट मेथड्स एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद ऐसे पैकेज इंटरफेसेस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मल्टीथ्रेडेड प्रोग्रामिंग है, तो आप देख लो। बाकी जितना भी चैप्टर है आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। और ये बुक बहुत ही अच्छा है, इस ये बुक का कोई कंपटीटर नहीं है, आपको यही बुक लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग दिया गया है, तो इस तरह से इसका मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ कॉन्टेंट, आप देख लो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बुक है एंड इसका वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये बुक का, वो भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इसका कितना अच्छे से इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, एग्जांपल देके पूरा। तो ये बुक आप फॉलो करिए, मेरे हिसाब से इसका कोई सब्स्टिट्यूट बुक नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये बुक का मैं लिंक, अमेजोन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से क्लिक करके देख लो। और बाकी भी बहुत सारा बुक का मैंने रिव्यू कर रखा है, आपको अगर बाकी बुक का भी रिव्यू देखना है तो आप उधर से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामिंग करके भी दिखाया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग एज ए एग्जाम्पल भी दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड द वीडियो इज हेल्पफुल देन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। So thank you very much.